कहाँ मैडम हमसे अच्छी है क्या? अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के साथ, नई उम्मीदों के साथ आपकी बहन ही दफ्तर हाजिर है और ये जनाब भी हाजिर है। आज आओ, अब इन जनाब के लिए हम बनाएंगे नाश्ता। खाते हैं, अब्दुल समद को बिठाते हैं और नाश्ता करवाते हैं। हमें जगह देंगे आप? नानी क्या कहती है, तंग करता मुझे, चीजें फेंकता है क्या? क्या आए पीछे दे दे ने। अस्सलाम वालेकुम, सब खैर? क्या हाल चाल है जी? चलो ठीक हो, खैरियत है, अभी सब खैर खरीदिए। जूनियर क्राइज आए, इनको हमारी तरफ से खुश आमदी। हाँ मेरी बिल्ली ना चित देना। हाँ तुम्हारी बिल्ली, हम तो जैसे से प्यार करती नहीं थी, मेरी बिल्ली बना आई है या नहीं? बोला भी करो इफ्रा। आ रही हो ना? ये जनाब इसमें डाले हैं हमने जो मसाला तैयार किया था उसमें 6 अंडे, और पहले इसको शॉपर में रख के बेल के फिर ग्लास के साथ इस तरह। फिर आपके जो कबाब होंगे ना वो पूरे बराबर बनेंगे। मैं कबाब बना के अम्मी को देती जा रही हूँ, अम्मी आगे से घोल करती जा रही हूँ। अभी ख़राब होना था और शावर में पानी तो ये मंगाया करो। चलो पानी मैंने इसलिए मंगाया था तो मैं भूल गई, मैं इसलिए रेसिपी खाने की नहीं बनाती, मेरे खाने की रेसिपी लोग फॉलो करके खाना बनाई। इसको थोड़ा पानी भिगोया, इसको अपना जब ऐसे कट करें आराम से आपका अलग हो जाएगा। फिर आपको देखें टिक्की बिल्कुल बराबर निकल आ जाए, सिम सिम। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत जो है जैसे वो अम्मी घोल करके रखती जाती है। वो बेचारी मासूम देख रही है, मैं भी कोई देख रही। एक कबाब पहले तेल लगाई, एक पहले फिर उसके ऊपर शॉपर रख के और कबाब रख देंगे। फिर जितने ऊपर 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 तक पार्ट बनते जाएंगे, रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे। ये देखो मैं कैसे बेलती हूँ, कबाब का मसाला डाला और ये शॉपर में मैंने बेल लिया। ये देखें माशाल्लाह, ये जब आप बेल लें फिर शॉपर ऐसे ऊपर से इसका घूंघट उठाएं, बेलने को साइड पर रखें, ग्लास उठाएं, उसको इधर पानी में पानी में डिप करें और ये देखें जनाब, ये देखें कैसा गोल बना है। तो पता है रेशे की आने तो गोश्त सही कुटे आने, मैं गोश्त की मैं दाल भी सही नहीं कुटी थी। और देखो गोश्त है रेशे, आप का कुटी ना खाने तो मजे भी लग सन, खाने तो मजे भी लग सन, सिर्फ बनाने भी लगता है रेशा आ गया ना बेस, उसी वजह तो आंदा रेशा के रेशे सही कुटो नहीं लगते। इफ्रा बना दे रोल, ये और इफ्रा पट्टियाँ मैं ला के फ्रीजर कर दी थी, अभी दूसरी अलग करूँगी फिर। हाँ तो दूसरी अलग करेगी फिर वो दिखाएगी। अभी ये बताओ कि कैसे इसको फिलिंग करते, ये क्या खोल के रखा हुआ है? आटा, आटा और पानी, बहुत ज़्यादा पानी आता। इधर आना मेरा मोबाइल जाके मेरे दौड़ लाई बेची तुसी आवाज पे कल आंधी है उससे। फिर खाला वो सुन के हसेंगी। बस कर रहा हूँ उसे तरीका दस्ती है ना। चल ये अब हमारा रोल तैयार। चल ठीक जनाब, देखें पट्टियाँ मैंने ला के फ्रीजर कर दी थी, नहीं हुई थी। अभी इफ्रा ने ऐसे छोड़ी हैं, थोड़ी देर अलग करके एक एक छोड़ की जो नहीं होती हैं ऐसा ऐसा नरम होके वो अलग हो जाएंगी।
ये जनाब इसने आप पट्टियाँ छोड़ ही रही, अगर आपकी पट्टियाँ फ्रीज हों जब आप थोड़ी देर इनको छोड़ दें देखें फिर आराम से 10 मिनट छोड़ ज़्यादा देर छोड़ो भी ना फिर भी टूट जाते हैं, फिर इनको ऐसे वापस इकट्ठा कर लें। अच्छा फिर 10 मिनट इनको छोड़ दें और ये देखें कितने मज़े से अलग हो रही हैं। तो अगर आपकी पट्टियाँ फ्रीज़र में है परेशानी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह हाजिर है उनको रखो फ्रीजर में। ये देखें ये बन गए हमारे कबाब और बस अब इनको फ्रीज़र में रखेंगे। कबाब और रोल बन गए थे तो मैंने कहा समोसों का मसाला तैयार करें, उसके लिए पहले मैंने प्याज डाला और थोड़ा सा उसको बस सोते करना, ज़्यादा नहीं सुरख करना। आपने प्याज आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने तो एक गंडी डाली थी लेकिन आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें मज़े का लगता है। तो प्याज जब सोते हो जाए फिर आप इसमें मिर्चें डाल लें, मिर्चें डालने के बाद जनाब आपने इसमें बाकी मसाले ज़्यादा डाल लें, बाकी में गर्म मसाला, लाल मिर्च और धड़ा मिर्च 2 चम्मच मुझे पसंद है मैंने ज़्यादा डाल दी, और नमक, ये चाट मसाला, इन दो इन सबको मिक्स कर लें और धनिया डाल दें। ये धनिया है जनाब आधी गड्डी धनिया की थी और बाकी जो आलू आपने मैश उबाल के मैश करके रखे हुए थे वो डाल दें और फिर इसके बीच में सही से चमचे हिलाए ताकि सारा मसाला आलू के बीच मिक्स हो जाए सही तरह। अच्छा कुछ लोग होते हैं पर आलू का सब्जी बनाते हैं फिर उसको पराठे बनाते हैं, तो वो जब आप पराठे बना रहे होते हैं ना जहाँ वो निकल जाती है बीच में से और उसके पराठे, ये वाला मसाला आप अगर इस तरह थोड़ा सा आलू का मसाला पका लेंगे तो आपका मसाला पराठों के बीच से नहीं निकलेगा। ये जो कुछ चीज़ें मैं अच्छी बनाती हूँ उनमें पराठा भी है, तो आलू वाले पराठे मेरे बच्चों को मेरे हाथ के बहुत पसंद है, तो आप इस तरह बनाएंगे देखेंगे आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। आप ज़्यादा मसाला भी डाल के बनाएंगे फिर भी पराठे के बीच में से मसाला नहीं निकलेगा। तो और जो समोसों के बीच में से बार दफ़ा एक अजीब सी हक आती रहती है कच्चे आलू की, वो भी नहीं आएगी, तो आप हमेशा आलू बॉयल करके मसाले को पका लिया करें। तो ये मेरा मसाला तैयार हो गया था, ये मैंने लूँगा मैं निकाल लिया ताकि इसको फ्रिज में रखूँ ठंडा हो समोसे बना सकूँ। अम्मी बाजी तो मुँह था ना ला समोसे था ये देखे पट्टी को अलग करते हैं सबसे पहले, ठीक है, और इसको आपने यहाँ से घुमा के यहाँ तक लाना, ये चीज़ देखें यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, फिर यहीं से पकड़ के आपने इसको इस कोने तक लाना ऐसे, ठीक है, फिर इसके अंदर फिलिंग करनी है। जनाब ये फिर इस पे जो आटा मैंने घोल के रखा हुआ है, ये आटा को जो घोल के रखा है इसको यहाँ पर भी लगाएंगे और थोड़ा सा इसके यहाँ पर भी लगा के इसको यहाँ से पहले बाहर पर अल्लाह जी पहले सोना बन गया पता नहीं जब मैं मोबाइल मेरा बन गई अभी मेरे तो खाली आती नजर आ रही पट्टी नहीं है। आटा स्कूल है चलो जी ये और सही हो गया, हम इसको पहले यहाँ से फोल्ड करेंगे, इस जो ये वाला कोना है इसको नीचे दे देंगे और ये वाला जो कोना इसको उठा के यहाँ पर ऐसे फिल कर देंगे, थोड़ा सा मेरी कोनी बहुत सही नहीं आई थोड़ी सी मेरी कोनी रह गई है इसको आप हाथ से दबा के बन करते हैं कोई बात नहीं पहला पहला तो जर रहा है आगे और बनाओ भी जाइए हो जाएगी कोनी मेरी कोनी रह गई चल एक और पे ट्राई मत इंशाल्लाह अब सही बनेगा। जनाब सबसे पहले उठा के यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर इसी को जो कोना है वहाँ से पकड़ के आप इसको यहाँ पर, ठीक, अब इसको करेंगे फिल, जहाँ तक आलू पहुँच सकता है उसको पचाएंगे।
फूस फूस के आलू इसके अंदर भर दे, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज़ यहाँ से ऐसे करेंगे, ये देख लें, इसको फोल्ड करेंगे और ये जो कोना बच्चे का इसको यहाँ पर लगाना, फिर आपने उठा के इसको पूरा घुमाना है, तब आप देखें सफ़ा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें परफेक्ट बन गया। तो थोड़ा सा ये जो जगह यहाँ पर भी आप आटा हल्का सा लगा देंगे, ये भी जुड़ जाएगा, ऐसे तो फ्रीज़र होंगे वो जुड़ ही जाएंगे। ऐसा जगह थोड़ी के इंसान ना, मैडम अच्छी है। मैंने कट ये बाजी है आपने सामान लेने गई थी। नहीं कोई बात नहीं, खैर है, अब गाड़ी में कौन से चल के आई हूँ। कैसे हैं हम आंटी? हाँ। नमाज पढ़ी टिक्की मैडम माय लोग लाइट जलाओ हरिम के लिए जूस लेके आई हरिम का जूस कौन आया? ये कौन आया? ये आंटी है। आंटी के लिए जूस और केक लेकर आई है। जूस में आपके लिए लेके आई हूँ, अफान के लिए लेके आई हूँ, और ये 100 के का केक काटेंगे हम। आप तो आंटी सारे डायलॉग मैंने इसको बताए रास्ते में, ठीक है वो सारे भी लोग आपने इतनी तकल्लुफ क्यों की? साड़ी मर्जी, कहो मैडम चाहते तो चंगी जिसकी रोज खाता होती है। मैं बता दूं ये मेरी फ्रेंड है, हमने एक साथ कोर्स किया था और बहुत अच्छी मेरी वहाँ से फ्रेंड बनी है और अभी तक कायम है और इंशाल्लाह आगे भी कायम रहेंगी। इनका नाम है तैयबा। बस इतना ही काफ़ी है, इतना बाकी हम जब केक काटेंगे आपको शेयर करते हैं। ये केक आया है, देखो भाई 100 सब्सक्राइबर का केक मेरे लिए। माशाल्लाह तू खोले ना नानी, अच्छा खोल दे ना, मुझे वो चाहिए, उसको वही चाहिए। चलो इधर आओ भाई, बच्चों उसको जगह दो, ये और अफान मिलके केक काटेंगे दोनों। अफान इस साइड पे आओ, आ जाओ आ जाओ। मेरा मसाला की खुशी देखो, आ जाओ आ जाओ, आपने भी काटा, दोनों मिलके काटेंगे, ठीक है। चलो ये हैप्पी बर्थडे टू यू। ये काटना, ये काटना, ये दोनों मिलके काट लिया। चलो जी आपकी भी बर्थडे हो गई, आपकी भी बर्थडे हो गई, दोनों ले गया चाय रखो। जली नहीं है हांडी कभी मेरी, दोबारा बना ली। हाँ हाँ बस करे खाने तुझे प्लीज। मुझे रो ही नहीं हूँ मैं, बाकी बच्चा कुछ नहीं। मैडम किधर हमारे में भी नहीं होती को मत करने में बच्चा ले जाऊंगी रमजान में पहले दूसरा, ठीक ये मैं मेरे बेटे। तो ये इंशा और तैयबा जा रही थी वापस अपने घर की तरफ। इंशा ने भी कहा मैं जाऊंगी और अगले हफ्ते घर आऊंगी, इस हफ्ते जाना मेरा कोई काम है। और संडे कल संडे को मैंने भी कहीं जाना था, फिर मैंने इतनी ज़ोर दे के रोकी नहीं। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनके आने की, जिस तरह ये आए जो सरप्राइज़ मुझे दिया। तो जनाब अब ये सारा किचन मैंने समेटना है और फ्रेंड ने क्योंकि मैकरोनी बनाई बाकी चीज़ें बनाई, आपने देखा मेरी फ्रेंड आई थी तो क्या कहते हैं अभी उसने कहा मामा किचन आपने समेटना है, तो मैं अभी किचन समेटने लगी हूँ और सख्त थक भी गई हूँ, लेकिन ज़ाहिर है काम तो करना है, रात को किचन समेट के सोना है। वैसे इफ्रा करती थी रात का बर्तन वगैरह, आज उसने कहा आपने करना है तो मैं किचन सेट करती हूँ। ये देखें जनाब किचन मैंने कर लिया साफ, उफ़ पता नहीं अब रात के कितना टाइम हुआ मैं काम में लग रही, मैंने देखा है तो देखा अपने मेरी फ्रेंड आई थी सरप्राइज़ देना था उन्होंने, उनका आना इस तरह इतने दूर से मेरे लिए
और इतना मुझे सेलिब्रेट करना यही बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कहती हूँ रिश्ते एहसास के होते हैं, जहाँ पर एहसास ना वहाँ अपने ही पराए होते हैं, जहाँ एहसास हो वहाँ पर पराए भी अपने होते हैं। ये नहीं मेरे लिए अपनों ने नहीं किया, मैं किसी के लिए कर, बहुत लोगों ने किया है। और आप जब किसी के लिए करते हैं ये सोच के ना करें कि वो बदले में आपको क्या देगा, सोच के ना करें कि वो आपके साथ करता है या नहीं करता। आप अपनी तरफ से अच्छा करें, आप यकीन माने अल्लाह किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से आपकी मदद के लिए भेजेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा वहाँ से आपकी मदद होगी, और वो अल्लाह की तरफ से होता है, चूँकि आपने किसी के साथ किया होता। आप ये ना सोचें ये बंदा मेरे लिए क्या करेगा, आप ये सोचें मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। तो अब यकीन माने आप जब मुसीबत में होते हैं तो अल्लाह किसी और को ज़रिया बनाता है आपको तकलीफ़ में से निकालने के लिए। लेकिन आपको ये लगता है इस बंदे के साथ मैंने किया था, इसने नहीं किया, इसके साथ मैंने नहीं किया, ये किया मैं इसके साथ करता हूँ, ऐसी बात नहीं होती। आप जिसकी भी मदद कर सकें, ज़रूरी बहुत बड़ी मदद, थोड़ी सी भी जितनी मदद आप कर सकें उसकी किया करें, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दिया करें। और मैं मेरे साथ जो करता है मुझे लगता है अल्लाह ने इनको मेरे लिए भेजा है कि इस मकाम पे मैंने जिनका सोचा नहीं है, तो ऐसे लोग जोड़ते हैं और वो ऐसे आपके साथ अपना ये तो मोहब्बत का इजहार करते हैं जिसका आपके पास अल्फाज नहीं होते बयान करने के लिए। और मैं तैयबा को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आईं और इतने मोहब्बत से, इतने प्यार से, इतने खलूस से वो मेरी केक लेके आईं। चीज़ें मायने नहीं रखती, अगले का खलूस मायने रखता है। तो खलूस से प्यार से वो मेरे लिए करती हैं और इतना प्यार मुझे देती हैं, तो मैं दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। और रमज़ान का महीना आ रहा है, आप भी कोशिश करें जितना जिसके लिए जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा करें। पता नहीं अगले रमज़ान तक हमारी सांस से इजाज़त दे या ना दे, ये हम नहीं जानते। जो प्यारे प्यारे रस्ते लोग अल्लाह मुझसे मिलाता है, जो लोग दिल से मेरे लिए सोचते हैं, अल्लाह उनके लिए बहुत आसानियाँ करे, उनके लिए अल्लाह बहुत अच्छा करे, मेरी तो यही दुआ है। तो इसी बात के साथ कल मिलते हैं नए व्लॉग में, और दुआ में याद रखिएगा इस बहन को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यही साथ है मेरे लिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।